आज हमने भारत सरकार को लिखा है कि डॉक्टर एपी सिंह का जो रोल सीमा हैदर को भारत में चार बच्चे को लेकर के जो आई है उसका क्या रोल इसके अंदर रहा है उसकी जांच की जाए और उसको नेपाल के रास्ते भारत में आने में डॉक्टर एपी सिंह का रोल क्या अदा हुआ है उसकी जांच की जाए। मोबाइल्स की फोन लोकेशंस, कॉल डिटेल्स और सीमा हैदर के बीच में, सचिन के बीच में और डॉक्टर एपी सिंह के बीच में कितने पैसों का लेन देन हुआ है, किस प्रकार हुआ है, वो सारी जांच की जाए और दुनिया को बताया जाए कि गुलाम हैदर के चार बच्चों को लेके जो बोडली जड़ नेपाल के रास्ते से आई है उसमें डॉक्टर एपी सिंह का कहां तक कितना हाथ है। वो आज हमने गृह मंत्रालय को लिखा है और इसकी भूमिका की जांच का लिखा है और साथ साथ ये रिक्वेस्ट की है कि अगर इसके अंदर डॉक्टर एपी सिंह का हाथ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करके जेल के अंदर डाला जाए। तो ये आपकी आज की अपडेट है। सारा झूठ आपके सामने हमने बता दिया है कि किस प्रकार झूठ बोलते हैं, कहते हैं नोटिस नहीं आता, ये नहीं आता, ये आपके सामने है सारे सबूत। ये देखो, ये तीन तीन नोटिस, लेकिन नोटिस से इनकार करना नोटिस की सर्विस माना जाता है। हम इन तमाम सीलबंद लिफाफों को कोर्ट में पेश करेंगे और रिपोर्ट को पेश करेंगे कि देखिए जनाब, ये लेने से जानबूझ के इनकार किया गया है और एक तरफा कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। तो दोस्तों, आपको इतनी जानकारी देनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। और गुलाम हैदर के बच्चों की मैं आपको बात बता दूं, गुलाम हैदर के बच्चों की कार्रवाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा उसके बच्चों को उसको दिलवा दिया जाएगा। मैंने अपनी कार्रवाई बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। आज के टाइम में गुलाम हैदर की कोई भी लीगल कार्रवाई पेंडिंग नहीं है जिसको किया जाना हो। मैंने अपनी तमाम कार्रवाई करके रखी हुई है और उनको कोर्ट में और संबंधित डिपार्टमेंट्स में जहां जहां मुझे कार्य करना था वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा था, लेकिन आज मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग सवाल करते हैं कि बच्चों का क्या रहा। बच्चों का सारा कार्य मैंने कर दिया है। जैसे ही गुलाम हैदर वीजा लेके आते हैं तो बच्चे उनको सौंप दिए जाएंगे, उनको मिल जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं। अपनी सारी कार्रवाई मैंने पूर्ण रूप से कर दी है। अब मैं, चूंकि इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो इलेक्शन के बाद उनके हक में फैसला आए और वो गुलाम हैदर को भारत में आने का वीजा दें, और जो भी सरकार इस वक्त है वो अपने बहुमत के साथ हमारे देश में दोबारा पुनः सरकार बनाए और देश की सेवा करें और गुलाम हैदर जैसे लोगों की मदद करें, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो जैसे ही इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे तो वो चीजें भी उनके सामने रखी जाएगी, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो हमने विजय के लिए प्रोसीडिंग की है गुलाम हैदर के लिए, गुलाम हैदर रोज मोदी जी को पुकारता है, रोज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुकारता है, और ये हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, ये उस गरीब इंसान की पुकार को जरूर सुनेंगे, उनको वीजा दिलाने में मदद करेंगे। मैंने अपनी जो जो कागज चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, वो मैंने अपना सारा काम कंप्लीट करके उसको भेज दिया है। अब भारत सरकार, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, गुलाम हैदर को जल्द से जल्द वीजा दे ताकि वो भारत में आकर के अपने पक्ष को अदालत में रख सके और उसके बच्चों को उसको सौंपा जा सके। तो दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी काम गुलाम हैदर का पेंडिंग नहीं है। मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं। अब
गुलाम हैदर की वेट है, जैसे ही वो आते हैं उनके बच्चे उनको दिलवा दिए जाएंगे। इसी जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप की दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं और इंसानियत के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं। कोई चवन्नी गुलाम हैदर से नहीं ली, वो आएगा आपको बता देगा। कोई एक पैसा आज तक मैंने अंसार वर्णी ट्रस्ट से नहीं लिया, किसी से कोई एक रुपया नहीं लिया, अपने पास से खर्च करके। इसलिए मैं इस केस को कर रहा हूं कि हम भारतीयों को किसी ने पुकारा है हाथ जोड़ के, तो हम अपने अपने भारतीय होने का एक एहसास दुनिया को कराना चाहते हैं कि हम भारतीय हमेशा इंसानियत के साथ खड़े हैं। हमारे भारत का बच्चा बच्चा इंसानियत के साथ खड़ा है। अगर ये व्यक्ति फ्रांस का होता, बांग्लादेश का होता, श्रीलंका का होता या अन्य देश का होता, तो तब भी हम इसकी उसी प्रकार से मदद करते जिस प्रकार से अगर वो हमें पुकारते, तो जिस प्रकार से आज हम इसकी मदद कर रहे हैं। ये मुंह बोला भैया पलटू राम पलटी मार गया। एक साल से भी तो आपको देश याद होना चाहिए था, जब तो आप शुद्ध देसी घी, देसी मक्खन और पता नहीं क्या क्या मक्खन उसमें रोटी में लगा लो, परांठे में लगा लो, और नेपाल में मर्दानगी चेक और पता नहीं क्या क्या बातें आप करते रहे। जब नहीं दिखा आपको कि भाई इस पे कोई सीरियस एलिगेशन भी आ सकता है, जब आपको देश की सुरक्षा का याद नहीं आया, आज जब देखा कि सीमा जेल के अंदर जाने वाली है, इसके खिलाफ भारत की सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है, सुरक्षा एजेंसियां बड़ा एक्शन लेने वाली है, इसकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई है, तो अपने आप को बचाने के लिए मुंह बोले भैया बन गए पलटू राम पलटी मार। सीमा हैदर ने आज जितने भी इंटरव्यू आए हैं उन सारे, यानी के बोडली जेड ने जितने भी इंटरव्यू आज दिए हैं, वो तमाम के तमाम इंटरव्यू में कहा है कि मेरा गुलाम हैदर से 5 साल से कोई संबंध नहीं है। कितना झूठ बोल रही है, दुनिया को कितना गुमराह कर रही है। अरे यार, जो तुम्हारा तुम्हारी छोटी बच्ची है जो FIR में लिखा हुआ है और जो पासपोर्ट बरामद हुआ है और तमाम बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें एक बेटी की जो उम्र है वो 3.5 से 4 साल के बीच में है भाई। मतलब 5 साल कैसे आप कह रहे हो मैं 5 साल से जो ना गुलाम हैदर से नहीं मिली। आप देखो यार, कम से कम ये तो सोच के तो झूठ बोल लो आप। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। कई झूठ ऐसे होते हैं कि कई बार अपने आप को बचाने के लिए जो झूठ बोला जाता है वो झूठ आपकी ही बेइज्जती करवा देता, आप खुद ही अपनी बेइज्जती करवा देते हो झूठ में। 5 साल बता रही है, जबकि छोटी बेटी हमारी गुलाम हैदर की जो छोटी बेटी है वो 3.5 और 4 साल के लगभग है। जब वो आई थी उस टाइम वो 3 साल के लगभग थी, अब वो 4 साल की होगी है बेटी, और ये कह रही है मैं 5 साल से नहीं मिली। आप देखो कितना झूठ बोल रही है ये सीमा हैदर को भेजा गया था। अब सीमा हैदर के पास डाकिया जब इस नोटिस को लेके गया तो डाकिया के हाथ जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी, कुसामदे करने लगी, भैया भैया मुझे ये नोटिस मत दो, आप कुछ भी लिख दो, भैया भैया मुझे ये नोटिस मत दो, रोने लगी, ड्रामा करने लगी। और वो कहने लगा भाई ये नोटिस है कानूनी नोटिस, अगर मैंने ना दिया आपको तो मेरी नौकरी खराब हो जाएगी। तो उसने जाके मैं तो दे के जाऊंगा, तो सीमा ने वो नोटिस लेने से इनकार कर दिया और ये कहती है कि मुझे नोटिस नहीं मिला। तो जो डाक लेके गया था उसने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी कि सीमा हैदर ने ये जो लिफाफा है उसने लेने से इनकार किया, इसलिए इसको वापस भेजा जा रहा है। ये देखो सीमा ने इनकार किया और आपके सामने बोलती है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। ये इनकार पढ़ लो, कोई भी पढ़ सकता है, ये लिखा हुआ है। ये उस डाक वाले के साइन है जिसने ये रिपोर्ट की कि लेने से इनकार कर दिया नोटिस, ये उसके साइन, आप देखो ये साइन है।
ये पूरा नोटिस आप देखो पूरा। दूसरा झूठ आपके सामने आ गया, ये रोज कहती है हमें नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला। एक नंबर झूठ कहती है 5 साल से नहीं मिली, जबकि हमारी बेटी, वो छोटे वाली जो बेटी है वो 4 साल की है, जब आई थी वो 3.75 साल की थी, अब 1 साल हो गया तो वो 4 साल के लगभग है, और कहती है मैं 5 साल से नहीं मिली। झूठ नंबर एक एक्सपोज। झूठ नंबर दो एक्सपोज के मुझे नोटिस ही नहीं मिला। ये देखो ये साइन है, जो डाकिया उसके साइन है, रिपोर्ट है, और लेने से इंकार किया। ये देखो, तो जो नोटिस लेने से इंकार करता है कानून की नजर में उसकी सर्विस मानी जाती है, और हम कोर्ट में ये बंद लिफाफा लगाएंगे कि जनाब ये देखो क्लियर रूप से लेने से इंकार कर दिया, तो इसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी, एक तरफा। अब बात आती है सचिन की, वो कहता ना कि मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला। सीमा की सोबत में रह के ये सचिन भी एक नंबर का झूठा बन गया है, एक नंबर का झूठा। मतलब सोबत का असर आता है ना, अगर हाथ में कोला लोगे तो वो अगर कुछ भी नुकसान नहीं करेगा तो हाथ को काला कर देगा। तो बोर्डली जेड की संगत में रहते रहते ये भी महाझूठा बन गया है, और इसने भी नोटिस लेने से इंकार कर दिया। ये कहता हमारे पास नोटिस ही नहीं आया। ये देखो सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल मोहल्ला ठाकुर द्वारा रघुपुरा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर भेजने वाला मोमिन मलिक एडवोकेट, और ये डाक की रसीद ये लगी हुई है, और ये इंकार की रिपोर्ट है ये री। तो इनका झूठ एक्सपोज आपके सामने, पब्लिक के सामने। अब बात करते हैं जनाब मुंह बोले भैया की। तो आज ये जो मुंह बोला भैया था, ये पलटू राम जो है वो पलटी मार गया, और हमने सीमा को कितनी बार लाइव में आके समझाया कि सीमा तू इसकी लिखी स्क्रिप्ट मत पढ़, तू इसकी लिखी स्क्रिप्ट पढ़ती रहेगी, और ये तेरा मुंह बोला भैया ऐसे टाइम पे पलटी मारेगा, तू कहीं की नहीं रहेगी, तुझे फंसाता रहेगा, और तू अंधेपन में स्क्रिप्ट पढ़ती रहेगी, और ये मुसीबत तेरे ऊपर आती रहेगी, कानूनी कार्रवाई होती रहेगी। आज देख लो कि ये बंदा कहता है कि उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करो सीमा के खिलाफ, और सीमा की भी जांच करके जेल में डालो। आज ये कहता है कि देश की सुरक्षा पहले है, 1 साल से देश की सुरक्षा को धत्ता बता रहे हो, 1 साल से उसकी फाइनेंस मदद कर रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, तरह तरह के उसको भारतीय विभागों के बारे में जानकारी दे रहे हो, विदेश विभाग के बारे में जानकारी दे रहे हो, आप गृह मंत्रालय के बारे में जानकारी दे रहे हो, विदेश आप जो है ना रक्षा मंत्रालय के बारे में जानकारी दे रहे हो, आप उनको राष्ट्रपति भवन का रास्ता दिखा रहे हो, 1 साल से आपको देश की याद नहीं आई,